अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश ग्रामर क्लासरूम स्टैंडर्ड 7। वी आर लर्निंग लेसन नंबर 11, मोर अबाउट एडजेक्टिव्स। वी हैव कंप्लीटेड अप टू नंबर 9, लिटिल, अ लिटिल एंड द लिटिल। नाउ द नेक्स्ट वन इज फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू। द यूज ऑफ एडजेक्टिव्स फ्यू, अ फ्यू एंड द फ्यू। Let's see what is the difference between few and a few. Few denotes not many. It has a negative meaning. Few means not many, बहुत कम, and it has a negative meaning. It few is used is in negative sense. For example, there are few apples in the fruit basket. Basket में जो है वो बहुत ही थोड़े एप्पल्स हैं। अ फ्यू डिनोट्स सम, एट लीस्ट, अ स्मॉल नंबर, इट हैज़ अ पॉजिटिव मीनिंग। अ फ्यू मीन्स यानी बहुत थोड़े से ज़्यादा, इसका मतलब ये नहीं है कि बहुत ही कम है, थोड़े हैं, कुछ है जिनको हम यूज़ कर सकते हैं, खा सकते हैं, बांट सकते हैं, इतनी क्वांटिटी है। अ फ्यू डिनोट्स एट लीस्ट अ स्मॉल नंबर, इट हैज़ अ पॉजिटिव मीनिंग, और इसका मतलब है पॉजिटिव सेंस में यूज़ होता है, मतलब कुछ है जो यूज़ हो सकता है। देयर आर अ फ्यू एप्पल्स इन द फ्रूट बास्केट, बास्केट में थोड़े एप्पल्स हैं। द फ्यू डिनोट्स नॉट मैनी, इट हैज़ बोथ अ पॉजिटिव एंड अ निगेटिव मीनिंग। द फ्यू लाइक द लिटिल हैज़ बोथ मीनिंग्स, पॉजिटिव एंड negative. He ate the few apples from the fruit basket. इसका पॉजिटिव या नेगेटिव सेंस नहीं होता है, उसने फ्रूट बास्केट में से एप्पल खाए। द नेक्स्ट इज लेस एंड फ्यूअर। लेस इज यूज विथ रेफरेंस टू क्वान्टिटी, किसी चीज़ की क्वान्टिटी, अनकाउंटेबल जो नाउंस रहते हैं उनकी हमको क्वांटिटी बताना रहता है, हम उनका नंबर नहीं बता सकते। फॉर एग्जांपल, फ्लोर, शुगर, हनी, इसके हम नंबर ऑफ हनी, नंबर ऑफ शुगर, नंबर ऑफ फ्लोर नहीं बता सकते, उसकी हम क्वांटिटी बताते हैं, 1 kg है, 1/2 kg है, 250 ग्राम है, 50 ग्राम है, अनकाउंटेबल नाउंस। सो लेस इज यूज विथ क्वान्टिटी, फ्यूअर इज यूज विथ रेफरेंस टू नंबर, और जिनका हमको नंबर बताना रहता है उनके लिए हम फीवर यूज़ करते हैं। दोनों के मीनिंग होता है कम, लेस और फीवर दोनों के मीनिंग क्या है, कम, बहुत कम। देयर इज़ लेस शुगर इन द जार, जार में बहुत थोड़ी शक्कर है। फीवर पीपल कास्ट देयर वोट्स, वोट देने के लिए बहुत कम लोग जाते हैं। दोनों का मीनिंग कम होता है, लेकिन लेस जो है वो क्वांटिटी के साथ यूज़ होता है और फीवर जो है वो नंबर के साथ यूज़ होता है। ओके, नेक्स्ट इज ऑल एंड होल, दोनों का मीनिंग क्या होता है, तमाम, ऑल द पीपल, ऑल द ऑडियंस, और होल, होल का भी मीनिंग क्या होता है, पूरे, तमाम। ऑल डिनोट्स नंबर एज वेल एज क्वांटिटी, ऑल का मीनिंग क्या, ऑल किसके साथ यूज होता है, नंबर के भी साथ यूज होता है और क्वांटिटी के भी। होल और द होल डिनोट्स क्वांटिटी ओनली, लेकिन होल जो है वो सिर्फ क्वांटिटी के साथ ही यूज़ होता है। ऑल द मेंबर्स ऑफ द फैमिली पार्टिसिपेटेड इन द गेम्स, फैमिली के जो है तमाम मेंबर्स ने गेम्स में पार्टिसिपेट किया। द होल सोसाइटी प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द बिल्डर, जो पूरी सोसाइटी थी उन्होंने बिल्डर के खिलाफ प्रोटेस्ट किया, बिल्डर का अपोज किया। तो होल जो है वो सिर्फ क्वांटिटी के साथ यूज़ होता है, लेकिन ऑल जो है वो ऑल द मिल्क, ऑल द फैमिली मेंबर्स, ऑल ऑल द ऑडियंस, ऑल द पीपल, ऑल दोनों के साथ में यूज़ होता है। तो और दोनों का मीनिंग लेकिन क्या होता है, तमाम होता है, लेकिन यूज़ अलग अलग होता है। So we have completed the explanation of all the adjectives given in this lesson. Now we have to solve the exercise. In the last lecture also I told you try to solve the exercise with pencil,
by yourself. Fill in the blanks, choosing the appropriate word from the list. Letter, letter, latest and last. These four adjectives you have to use in the first section, that is section A. So all these four adjectives you have to use in the four fill in the blanks. The next is elder, older, eldest and oldest in the next exercise, that is B. So try to solve all the exercise you can do, and in my next video I'll provide you the correct answer. Then you have to check yourself either you have put the correct option in the correct sentence, in the sentence correctly or not. You have to check. First of all, you try. Then I shall give you the right answer. So we stop here. After that, we shall start the next lesson. And determiner is also in your portion. In grammar portion, the lesson determiner is also there. So I will teach this lesson after completing the lesson number 11. Have a nice day. Allah Hafiz and goodbye.